नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी जायसवाल। बख्तियारपुर के घोसवरी गांव में कल एक वृद्ध को एक बिल्ली ने काट खाया, जिसमें वृद्ध गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बख्तियारपुर में कराया जा चुका है। उधर बख्तियारपुर में ही चंपापुर गाँव के समीप मेन सड़क पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक युवक को धक्का मार दिया, जिसमें युवक अति गंभीर रूप से घायल हो चुका है। बताया जा रहा है कि बाद में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक देदौर गांव का रहने वाला था। उधर पटना के बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के तेज तरार एवं युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हिंदुस्तान में 30 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है, जो भारत के लिए तस्वीर बदल देगी। 30 साल के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी रचना हुई है। 1983 में इसके पहले शिक्षा नीति के ऊपर कुछ चर्चा हुई थी और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1983-1986 तब एक बनाया था। ये नए शिक्षा नीति में तीन महत्वपूर्ण चीज है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये तय किया है कि जो विदेश में सबसे बेहतर से बेहतर जो विश्वविद्यालय है वो भारत में आ सके, और भारत में जो विदेश विश्वविद्यालय उस देश में जो क्वालिटी एजुकेशन देती है वही क्वालिटी एजुकेशन भारत के गांव में भी आ सके। दिस इज अ वेरी बिग रेवोल्यूशनरी स्टेप दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भीम आर्मी और जन अधिकार पार्टी ने मिलकर गठबंधन बनाई है, जिसे PDA नाम रखा गया है। बता दें कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस निर्माण के बाद पप्पू यादव एवं भीम आर्मी ने चंद्रशेखर बिहार विधानसभा चुनाव में एक लंबी पारी खेलने के लिए यह मंच तैयार किया है। अब देखना यह है कि लोजप्पा, कांग्रेस और अन्य दल इसके साथ खड़ा होते हैं या इनके बाद। उधर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के समक्ष विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई है। विद्यार्थियों की माने तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से स्वचालित नहीं है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड के भरोसे पढ़ाई कर रहे छात्रों ने इसे अभिलंब ठीक करने की मांग शिक्षा मंत्री से कर रहे थे। पटना सिटी के खाजेकल्ला थाना क्षेत्र के बजाज प्लाजा मार्केट में शिवा फैशन रेडीमेड थोक दुकान से चोरों ने लगभग 18 लाख नगद रुपए चुरा ले गए। बता दें कि इन दिनों पटना सिटी के मच्छरहट्टा इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। उधर बख्तियारपुर में ही हर घर नल जल योजना का कार्य पूरी तरह हो चुकी है, लेकिन वार्ड नंबर 14 और 15 की सड़कें तोड़ी गई थी, उसे आज तक नहीं बनाया गया है। गली सड़कें जर्जर है, ऐसे में लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं खबरों के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।